मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जुलाई को चित्रकूट पहुंचकर बरहद हरिशंकरी वृक्षों का वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। इसी क्रम में महानगर में डॉक्टर विशेष गुप्ता एवं डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता के संयोजकत्व में पर्यावरण बचाने हेतु कार्यक्रम चल रहा है। आधुनिकता की दौड़ में जीवनदायी वृक्षों को भूल चुके जनमानस के बीच ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक वृक्षों का रोपण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग हरिशंकरी वृक्षारोपण सप्ताह मना रहा है। मंडल मुख्यालय पर आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 स्थानों पर 75 संस्थाओं के द्वारा हरिशंकरी वृक्षों का रोपण किया जाना है। इसी श्रृंखला में सेक्टर 9B बुद्धि बिहार में बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास के द्वारा न्यास अध्यक्ष पवन कुमार जैन के निवास स्थान के ठीक सामने ग्रीन बेल्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश के घोतक के रूप में पीपल पाकड़ एवं बरगद के पौधों को एक साथ रोपित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि RSS के विभाग संघ चालक ओम प्रकाश शास्त्री ने कहा कि हरिशंकरी पौधे पर्यावरण ही नहीं पौणिक रूप से काफी अहम माना जाता है। ये वृक्ष हमारी आत्मा से जुड़े हैं तथा पक्षियों को भोजन और संरक्षण देने का माध्यम है। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास ने इन वृक्षों की जिम्मेदारी ली है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी अमन जैन टीकम सिंह शलभ गुप्ता गौरव गुप्ता स्पर्श गुप्ता मनोज शर्मा प्रशांत गुप्ता शमी रस्तोगी निशांत गुप्ता वन विभाग से रेंजर स्वरूप सिंह रावत डिप्टी रेंजर हृदेश कुमार संजय सिंह सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज इस अवसर पर हमें एक आपने सौभाग्य का प्रदान किया। आप सब लोग आदरणीय डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता जी डॉक्टर विशेष जी फॉरेस्ट की टीम और हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए माननीय विभाग संचालक जी अपने श्रीमान टीकम जी और समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकगण इस अवसर पर उपस्थित हुए और हमें जो ये प्रेरणास्पद जो विश्व को पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं सबके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत करके जो है लोक भारती और सामाजिक बांकी की ओर से भी आपका आदरणीय विभाग संचालक अपने पवन जैन जी और श्रीमान टीकम सिंह जी डॉक्टर मेहंदी रत्ता जी देव जी और संजय जी और सब लोगों के सहयोग से पर्यावरण की रक्षा के लिए इन तीन वृक्षों को मिला करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमने आज यहाँ इन वृक्षारोपण को किया है। ये वृक्षारोपण परिवार की तरह से है, जैसे हम एक परिवार के बच्चों का पालन करते हैं वैसे ही वृक्ष लगाना और उनका पालन करना ये हमारे जीवन के पुण्य के लिए भी है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी है। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेंगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, देश और समाज इसके द्वारा एक प्रेरणा लेगा और समाज के इस काम से ही और हमारा भारत और एक सुंदर रूप में विश्व के सामने खड़ा होगा। देश के अंदर ये जो काम हो रहा है